करिए, इसमें सांसों को आधे पैर को उठाते समय भरना, फिर आधे में जब उसको नीचे लाते हैं तो सांसों को छोड़ना, यानी एक वृत्त में सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना दोनों चल रहा है। तो आइए, जितना बड़ा वृत्त बना, रुकना नहीं है, ऊपर ऊपर ही घुमाते रहना है, बड़ा बड़ा। दाहिने पैर को बाईं तरफ लाएं तो बाएं हाथ को टच करता हो ऊपर से जाए, ऊपर ऊपर घुमाइए पूरा, थोड़ा उलट जाते हैं, हल्का हल्का कमर को बाईं तरफ उलटते हैं हल्का, और ये जांग जो है पेट के ऊपर से मसाज करता हुआ घूमता है। घुमाइए, जितना बड़ा गोला बनाएंगे उतना ही आपको लाभ देगा। घुमाइए, अब उसको उल्टा कर लेते हैं, दाहिने पैर से उल्टा करते हैं पांच बार, करिए, बहुत बढ़िया अभ्यास, सहजता पूर्वक इस अभ्यास को करते हैं। घुमाइए, लग जाइए हम पूजा में, ऐसा लगे कोई भगवान का आरती चल रही है। ऐसे आरती को कभी खंडित नहीं करते, हाथ में ये थाल लेकर के और परमात्मा का भजन हो रहा है, तो यह अखंड आरती है पात वृत्ति का आसन से। अब रोक दीजिए, क्लॉकवाइज करते हैं बाएं से दाएं की तरफ, करिए, बहुत बढ़िया अभ्यास, पात वृत्ति का आसन, पैरों से वृत्त बनाने का अभ्यास, लगातार लंबा लंबा सांस भरिए और पूरा घुमाइए पैर को, बाई तरफ भी उतना ही, दाई तरफ भी उतना ही, पूरा बाई तरफ ले जाइए। ये जान आपको पेट के ऊपर से घूम रहा है, बहुत अच्छा अभ्यास। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन हरिद्वार, पतंजलि योग समिति, सर्वे गुरुवर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में मोटापा को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सके, पूरे भारत को कैसे मोटापा मुक्त बनाए और